जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आर ओ आर ओ के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी हिंदी की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि हमारी वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं आर ओ के लिए। टेस्ट सीरीज़ जिसमें 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं, सामान्य हिंदी के 5 टेस्ट हैं और करंट अफेयर के 4 टेस्ट हैं। ठीक, कुल मिलाकर 299 रुपये में ये बैच है जो कि 20 दिसंबर से चल रहा है। आप इसको जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, ये बैच ले सकते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं हम अपना आगे का क्वेश्चन। ठीक ना, जो 2013 के लेक्चर में बचा हुआ है, इसके बाद फिर 2010 का है, तो कुल मिला के 2 लेक्चर इसके बाद और होंगे आप लोगों की। ठीक, पूछ रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन आते हैं जो 30 से लेकर के 45 डिग्री के आसपास जो पाए जाते हैं। ठीक ना, जो 30 से लेकर कितने डिग्री तक, 45 डिग्री तक पाए जाते हैं, तो क्या है इसमें, इथोपिया नहीं आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इथोपिया। उत्तर क्या हो जाएगा, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सुमिलित करने के लिए दिया है। बोलीविया टिन उत्पादन के लिए, ब्राज़ील लौह अयस्क उत्पादन के लिए, ठीक ना, मैक्सिको चांदी और पेरू सोना। पेरू किस चीज़ के लिए, सोना के लिए। तो इसमें से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है आपका, इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए, चिन इंडोनेशिया पेरू टिन के लिए जाने जाते हैं, चिन ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील भारत लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, चांदी के लिए मैक्सिको पेरू और चीन, सोना के लिए चीन ऑस्ट्रेलिया और रूस। ठीक ना, वर्तमान में क्या कह रहा है, पेरू चांदी के भंडारण में प्रथम स्थान है। वर्तमान में पेरू का जो है चांदी के उत्पादन में, चांदी के भंडारण में प्रथम स्थान है। ठीक ना, और एक चीज़ मैं आपको ध्यान याद दिला दूँ कि ये जब आर्थिकी आप करेंगे ना, आर्थिकी लास्ट में अभी 5-7 दिन बाद जैसे ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, एक आर्थिकी की क्लास आप लोगों की मैं करा दूंगा, तो अपडेटेड जो भी चीज़ें होंगी, ठीक ना, अपडेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं वो क्या करूंगा, आप लोगों को इकट्ठा मैं अपडेट करा दूंगा। जो भी करंट अफेयर में, जैसे अगर किसके उत्पादन में कौन अब प्रथम हो गया है, उसको मैं गूगल से देखूँ, इधर उधर से देखूँ, तो कई बार वो भी गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो सबसे बढ़िया है कि बुक आने का थोड़ा सा वेट कीजिए। और वैसे भी शायद निशान सर ने क्लास स्टार्ट ही करा दी है ना, तो उसमें वो कवर करा देंगे। वैसे मैं भी एक लिस्ट पॉपुलेशन की और इसकी दे दूंगा, ठीक ना, आर्थिक भूगोल के आर्थिकी की और पॉपुलेशन की। चलिए, तो परेशान मत होइएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है, कौन सा लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है, तो 63 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए चीन, चाइना। ठीक ना, कौन हो जाएगा, चाइना। ठीक ना, वर्तमान में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना, इसमें चाइना दिया हुआ है लेकिन है कौन, अब ऑस्ट्रेलिया है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा उत्पादक केंद्र जो है वो जर्मनी से संबंधित है, कौन सा उत्पादक केंद्र जर्मनी से संबंधित है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, वूपरताल, वूपरताल। ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बी वूपरताल। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है। ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, कौन सी नदी और बांध और नदियों का सम्मेल, वो आपको मेल करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर है, तो हूवर बांध कोलोराडो पर है। ठीक ना, पंचेट हिल दामोदर, आसवान नील नदी पर, करीबा जम्बेजी पर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है, क्वेश्चन नंबर 67, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, चीन। ठीक ना, चीन, इसका उत्तर होगा
67 वाले का चीन, ठीक ना, इस समय वर्तमान स्थिति के हिसाब से 67 का उत्तर क्या होगा, चीन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। थोड़ा सा गले में आज खराश होने की वजह से आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक ना, बस बट इतनी आ रही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 68, फ्रांस का स्थान कौन सा है। तो पहले तीन हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील, तो अब वर्तमान के हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक ना, फ्रांस और यूएसए दोनों हो सकता है, ठीक, इसको हम लोग मिनरल वाले में कवर कर लेंगे, ठीक, या जब सॉरी आर्थिकी आएगी तो उसमें सबसे व्यापार में कौन प्रथम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन प्रथम है, प्रोडक्शन में कौन प्रथम है, इसको सब हम लोग इकट्ठा कवर कर लेंगे। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है, ठीक ना, फ्रांस का स्थान कौन सा है, 68 में पूछ रहा है, फ्रांस का स्थान ये बता तो दिया, चतुर्थ, ठीक ना, चौथा, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे पे चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है, सॉरी इस पे चला गया था मैं, इस पे चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील है, ठीक ना, तो इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, चतुर्थ। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, पोर्ट सईद और स्वेज, ये विकल्प डी। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं, कि कहाँ पे पाए जाते हैं, बाजार आधारित लौह और इस्पात कारखाने, जापान में, ठीक ना, उत्तर नंबर सी, विकल्प नंबर सी है। 71, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 71। तो सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस में, ठीक ना। नेक्स्ट, कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, रूस, ठीक ना, कौन सा है, रूस, रशिया। मानव भूगोल में आ जाइए, जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, चेंचू। लेपचा कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में, ठीक ना, डाफर गुजरात में, डफला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक ना। 75, यदि जन्म और मृत्यु दर समान है, अंततः यह बाह्य प्रवर्तन नहीं की होता है, तो जनसंख्या में कोई प्रवर्तन नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है, शून्य जनसंख्या वृद्धि, विकल्प नंबर बी, जनसंख्या इकट्ठा कराऊंगा। भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 82, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था, क्वेश्चन नंबर 82, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ऑस्टिन, ठीक ना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था ऐसा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, बहुत फेमस है, कई बार ये पूछ चुका है और आरओ में ही बार बार पूछ चुका है कई बार, ठीक ना, तो रजनी कोठारी की बुक है ये, क्वेश्चन नंबर 83, ये बुक किसकी है, रजनी कोठारी की, कब प्रकाशित हुई थी, 1970 में। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। 85, मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, एक किस प्रकार का अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है, तो विकल्प नंबर डी। पंचायती राज व्यवस्था में अब आ गए हम लोग, ठीक ना, संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है, किसमें, किसी में भी की जा सकती है, ठीक है ना, किसमें की जा सकती है, किसी में भी, संसद के किसी एक सदन में, ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 का डी। नेक्स्ट आ गए हम लोग किस पे, अर्थव्यवस्था पे, समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है, किससे, समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है, किससे,
ग्रामीण विकास से की जा सकती, कृषि विकास से कृषकों के पर्याप्त राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से नहीं की जा सकती है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है, क्या बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी, सभी, ठीक ना। वित्तीय समावेशन किसको कहते हैं, ठीक ना, वित्तीय समावेशन किसको कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? ये तो मैं बता दूंगा फट से एक सेंटेंस में, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि वित्तीय समावेशन किसको कहते हैं, ठीक ना। 89, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति, राज्य, व्यक्ति और राज्य दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, व्यक्ति और राज्य दोनों। 89, ठीक ना। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है क्या? क्वेश्चन नंबर 90, प्रति व्यक्ति आय, परिवार का उपभोग व्यय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो परिवार का उपभोग व्यय। सी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या अनुमान के, ये तो जनसंख्या का ही है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्न में से कितना अनुपात बताया, ये करंट में अपडेट करा दूंगा, है ना। ये इसके नए नए डाटा आ गए हैं गरीबी रेखा से रिलेटेड। वैसे इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, 92 वाले का, उस समय के हिसाब से 37.2। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 95 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य उद्देश्य सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, सही है। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया जाता है, सही है। खाद सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है, नहीं, दोनों मिलकर देते हैं, ठीक ना। निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य लोक, काट दीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 96, 97 भी काट दीजिए, 98 भी, ठीक ना, अब ये ऑब्सलीट टॉपिक हो गया है लगभग। क्वेश्चन नंबर 99 आइए देखते हैं, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। ग्रामीण जलपूर्ति, सामाजिक वानिकी, यही होगा बी, सामाजिक वानिकी, ये न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, 10वीं में शुरू किया गया था, ठीक है ना, किसमें, 10वीं में। अब सीधा आ जाइए आप लोग 103 पे, 1818 सदी में पहला सूती वस्त्र कारखाना कब शुरू हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पर शुरू हुआ था। 103 का उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक। नेक्स्ट, जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे इस समिति के अध्यक्ष, सी रंगराजन। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, सूरत में, कहाँ पर स्थित है, सूरत में, ठीक। इनमें से कौन सा फुटलूज इंडस्ट्री है, फुटलूज इंडस्ट्री किसको कहते हैं, ऐसे उद्योगों को कहते हैं जो परिवहन से प्रभावित हुए बिना किसी स्थान पर स्थित हो सकते हैं, तो किसको ज़रूरत नहीं है, इसमें से सॉफ्टवेयर को, ठीक ना। नेक्स्ट आ गया फिजिक्स में, 1 नैनोमीटर होता है कितना, 10^-7 सेंटीमीटर, ठीक ना। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये दिखे ना ऑप्शन में, विकल्प में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो 90% केस में तो यही होता है, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन अगर इस तरह के आते हैं तो उसमें 10 में से 8 का उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबो कर किया जाता है, किस में डुबो कर किया जाता है, मिट्टी के तेल में, यानी केरोसिन में सेव किया जाता है इसको। 110, कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पादक है, तो 110 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एस्फाल्ट,
कौन निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पादक है? तो क्या है एस्फाल्ट, 110 का डी। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ प्रश्न नंबर 111, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में 112 का उत्तर क्या होगा? किण्वन होता है उसमें, किण्वन होता है। ठीक, नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, 113, इसका क्या उत्तर होगा? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, उनके रक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। ठीक ना, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, दूरी की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, कब रिपीट कर दे कोई भरोसा नहीं, इसको तो एकदम रट ही लीजिए। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? 115 का उत्तर होगा कैल्शियम। इसमें से जो दिए हुए हैं उसमें से कैल्शियम, ठीक ना, जो विकल्प में आपके दिए हुए हैं, ठीक ना, नहीं तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कितना? 65%। नेक्स्ट, पर्यावरण पे आ गए हम लोग, ठीक ना। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? नीले प्रकाश के प्रकीर्णन, क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है, यही पहला विकल्प जो है आपका वो सही है। 117, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा के द्वारा, 117 का बी, बी बी बॉल, वर्षा वाला, ठीक ना, डी नहीं। एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वनों को काटना, वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन में मदद कैसे कर सकता है? नहीं करेगा ये। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? 120 पूछ रहा है कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऑब्सलीट हो जाए, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी को कम करना, इसका पर्यावरण से नहीं है। स्थायी विकास किसके उपयोग के अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधनों के, विकल्प नंबर ए। अब यह आ गया, चलिए इसको अपडेट करंट में पढ़िएगा इसको आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट है 125, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, मतलब अब कर दिया गया है, कहाँ पर? इटावा में। कहाँ पर? इटावा में। अब ये हैं मैथ्स के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक ना, उसके बाद विविध बचता है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यानी 138, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक मानव विकास की गणना में सम्मिलित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, नगरीकरण, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा में से नगरीकरण नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट है, पूछ रहा है विकास के मानवीय पक्ष में निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। नेक्स्ट, कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था कब? कब आरंभ किया था द्रुत डाक सेवा? 1986 में। कब?